हेलो स्टूडेंट, वेलकम उनसे अगेन। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 का। यहाँ पर इस चैप्टर से ये क्वेश्चन कई बार आता है कि आपके पास रैशनल नंबर्स दे दिए जाएंगे, उनको आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकेंड और थर्ड पार्टी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था ना इस एक्सरसाइज का, उसमें मैंने आपको फर्स्ट और फोर्थ पार्ट समझा दिया था। लेकिन अगर आपको इसका वीडियो भी देखना है तो आपको ऊपर आई बटन में इस वाले क्वेश्चन का भी वीडियो मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और किस तरीके से हम इन रैशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में और 3 में, मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा, यानी सबसे छोटा नंबर जो है उसे पहले लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा और उसके बाद उससे बड़ा लिखना है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि हम क्या जानते हैं कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन हो तो डिनोमिनेटर अगर सभी का सेम रहता है तो हम लोग न्यूमिनेटर को आपस में कंपेयर कर लेते हैं, जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा होगा वही वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर तो डिनोमिनेटर सभी का अलग अलग है ना, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि डिनोमिनेटर्स को सेम बनाओगे। डिनोमिनेटर को सेम बनाने का तरीका क्या है, एलसीएम लेना। आप सभी का एलसीएम ले लो, आपका डिनोमिनेटर ऑटोमेटिकली ही इक्वल हो जाएगा। उसको कैसे करना वो समझते हैं। उसके अलावा यहाँ देखो कि दो नंबर आपके पास ऐसे हैं जिसमें जो माइनस की साइन है वो न्यूमिनेटर में है, लेकिन दो नंबर ऐसे हैं जिसमें डिनोमिनेटर में माइनस की साइन। तो हम जानते हैं क्या है कि डिनोमिनेटर में बस बच्चों को कन्फ्यूज करने के लिए लिखा जाता है, एक्चुअल में जो माइनस की साइन रहती है वो हमेशा ऊपर ही रहती है। लेकिन अगर आपको अभी इसको ऊपर पहुंचाना है तो इसके लिए मेथड आपको ये वाला लगाना पड़ेगा, ये मेथड मैंने आपको पहले ही बताया है। जैसे देखो, 5 बाई -12 है ना, तो ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारा ऊपर 5 बन जाए 5 हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, नीचे 12 बन जाए 12 हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया। तो बस ये जो माइनस की साइन नीचे थी उसको हमने ऊपर पहुंचा दिया। साथ ही उसी तरीके से इसका भी वैसी करो, 9 बाई -24 रहेगा, सेम ऐसे ही करना। तो ये हमारा ऊपर में चल जाएगा माइनस की साइन और नीचे में 24 प्लस वाला हो जाएगा। ठीक है, ये काम आप जरूर कर लेना। अब आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 है 12 है 16 और 24 है, तो इन सभी का एलसीएम लेना है। यहाँ पर आप लिखोगे डायरेक्ट कि एलसीएम ऑफ 4, 12, 16 एंड 24। ठीक है, एलसीएम जल्दी से निकाल ले। पहले आप क्या करोगे, साइड में इन सभी का एलसीएम निकाल लोगे, ये हो जाएगा मेरा 4, 12, 16 और 24। ये मैंने निंजा टेक्निक लगाने की कोशिश की, इसीलिए गलत हो गया, उसमें आप ध्यान मत देना। आपको जो बेसिक तरीका पता है वही करना, निंजा टेक्निक चक्कर में गलत मत कर देना। तो ये सभी हमारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से कर लो, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 का 12 बढ़ेंगे तो 24 आएगा। फिर 2 से हो रहा है 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। फिर हो रहा है क्या 2 से, तो हाँ ये दोनों 2 से जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 3 का 3 उतर जाएगा। 1 को लिखो या मत लिखो एक ही बात है। अब ये दोनों, ये मेरा 2 से जाएगा पहले, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये वाला 3 उतर जाएगा, इधर का 1 उतर गया। अभी मेरा 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, बाकी भी 1 1 है उसको उतार दो। तो अब हम लोग जल्दी से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना एलसीएम होने वाला है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा हो जाएगा हमारा 16 और 16 3 जा हो जाएगा हमारा 48। तो इन सभी का जो एलसीएम निकल गया वो 48 निकल गया। बस मेन काम यही था। अब आपको क्या करना है, इन सभी के डिनोमिनेटर में ये जो हमारे पास है ना नंबर्स, इन सभी के डिनोमिनेटर में आपको 48 बनाना है। कैसे बनेगा वो देखो, -3/4 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर में देखना है कि हमारे पास छोटा नंबर है उससे हमको बड़ा करना है। तो मैंने आपको बताया है ना कि डिनोमिनेटर को या फिर न्यूमिनेटर कुछ भी चेंज कर रहे हैं हम लोग, तो या तो डिवाइड होता है या तो मल्टीप्लाई होता है, प्लस माइनस आपको नहीं करना है। तो अगर बड़ा बनाना है तो अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग 4 का कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 48 आ जाए, तो सिंपल है, आप 12 का टेबल जानते हो ना, 12 4 जो हमारा 48 होता है। अगर आप ओरली दिमाग में इसको नहीं बना पा रहे हो कि मैं 4 कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 48 आ जाए, तो एक आप काम ये भी कर सकते हो, 48 को 4 से डिवाइड दे दो कहीं साइड में जा करके, तो भी आपको पता चल जाएगा। देखो इस तरीके से 48 को जब हम लोग 4 से डिवाइड देंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, फिर कटपिट हुआ, 8 बच गया हमारे पास, तो 4 2 जा 8 आ गया। तो देखो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है ना, इसका मतलब 4 12 जा ही हमारा कितना होता है, 48 होता है। तो अगर आप ओरली बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका टाइम बचेगा। अगर आप डायरेक्ट दिमाग नहीं लगा पा रहे कि 4 में कितने का मल्टीप्लाई करने से 48 आता है, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे को पहले ही पता था, तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर नीचे भी आपको 12 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई और ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रूल है कि जितना का नीचे से मल्टीप्लाई होगा उतना ही का ऊपर से भी करना पड़ेगा। तो ऊपर में कितना जाएगा, 12 3 जा 36 हो जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस माइनस का 36 और नीचे में तुम्हारा 48 ही लाना था। सेम उसी तरीके से अगले वाले के लिए करना है, इसके लिए और इसके लिए, इन सभी के लिए इसी टाइप से सेम काम आपको करना है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना भैया, 5 बाई 12 है। माइनस की साइन जो पहले हमारे पास नीचे थी, हमने उसको क्या किया था, ऊपर कर लिया था ना, तो ऊपर में माइनस की 5 लिखोगे आप, ये वाला नंबर नहीं लिखोगे क्योंकि हमने उसको चेंज करके माइनस को ऊपर में पहले ही कर लिया है। तो 12 में हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, तो ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर में मेरा -20 हो जाएगा और नीचे हमारा 48 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, यहीं पर बना दूं क्या, नहीं थोड़ा खिचड़ी बन जाएगा, थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। तो ये मेरे पास 7 बाई 16 है, माइनस का 7 है, तो 16 3 जा 48 होता है, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर मेरा -21 आ जाएगा और नीचे तो 48 ही आएगा, इसीलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया।
था, लास्ट में हमारे पास 24 वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 9 बाई में 24, पहले माइनस से नीचे थी जिसको हमने ऊपर कर लिया है, तो अब यहाँ पर 24 2 जा 48 होता है, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर हमारा -18 आ जाएगा और नीचे हमारे पास 48 आ जाएगा, ठीक। अब आपके पास नीचे पेज अगर अच्छे से रहेगा तो आप नीचे ही बनाना, मैं इधर पेज बचा लेता हूँ थोड़ा समझाने के लिए आपको, कि देखो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखो डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया ना, तो न्यूमिनेटर को कंपेयर करना है कि कौन सा न्यूमिनेटर सबसे छोटा है। तो एक चीज़ यहाँ पर बारीक से एक आपको ये भी ध्यान देना है, क्योंकि अब आप क्लास 8 में आ गए हो, आप देखो आप सोचोगे कि सर 36 सबसे बड़ा है तो ये तो हमारा लास्ट में आ जाएगा, सबसे छोटा हमारा 18 है तो सबसे पहले हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। नहीं, यहाँ पर हमारे पास देखो क्या है कि माइनस की साइन लगी हुई है। मैंने आपको क्या बताया है कि माइनस वाला नंबर जितना बड़ा होते जाता है एक्चुअल में वो उतना ही छोटा है। जैसे -10 जो है ना और -20, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो -20 छोटा है और -10 बड़ा होता है। जीरो से जो नंबर लाइन होता है हमारा, उस नंबर लाइन में जीरो से जितना इधर आते जाओगे वो नंबर उतने ही छोटे होते जाते हैं माइनस के साइड में, ठीक है। तो एक्चुअल में जो सबसे छोटा नंबर होगा वो ये वाला होगा -36 बाई में 48, ये सबसे छोटा है, ठीक है। अब इससे बड़ा कौन सा है, तो इससे बड़ा ये वाला है 21 वाला, -21 बाई में 48, ठीक है। फिर इससे बड़ा कौन सा है, तो ये वाला है -20 बाई में 48, और सबसे बड़ा जो है हमारे पास नंबर वो ये वाला है -18 बाई में 48। माइनस का नंबर जितना छोटा रहेगा वो एक्चुअल में उतना ही बड़ा होता है। तो ये तो हमने यहाँ पर इनका वैल्यू लिख दिया है। अब इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो अपने को मेन नंबर दिया हुआ था स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसको आपको लिखना है। तो -36 बाई 48 हमने किसका वैल्यू निकाला है, तो -3 बाई 4 का निकाला है, ठीक है। इसका मतलब जो होगा हमारा -3 बाई 4 वो सबसे छोटा होगा, ठीक। उससे बड़ा कौन सा हमारे पास, -21 बाई 48, -21 48 हमने किसको किया है, -7 बाई 16 को किया है। तो अगर आप -7 बाई 16 करोगे, ठीक है, उसके बाद -20 बाई 48 है, तो इसका किसका वैल्यू भैया, तो ये -5 बाई 12 का है, तो यहाँ पर इसके बाद -5 बाई 12 कर दो। और सबसे बड़ा हमारे पास कौन सा है, -18 बाई 48, तो -18 बाई 48 किसका वैल्यू है, -9 बाई 24 का, तो यहाँ पर आप -9 बाई 24 लिख दो। ये वाला भी काम आप जरूर करना और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बनाना है। बेसिक बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है ताकि डिनोमिनेटर सबका इक्वल हो जाए, ठीक है, और माइनस में जो इतना बड़ा रहेगा वो एक्चुअल में उतना ही छोटा होता है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये तो हमारा सेकेंड वाला हो गया, चलिए जो थर्ड पार्ट है इसको उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ पर भी हमारे पास कुछ कुछ नंबर इसी टाइप से दे दिए गए हैं, यानी कि डिनोमिनेटर में माइनस से साइन दे दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको न्यूमिनेटर में समझ लेना, जैसे मैंने कन्वर्ट करना सिखाया था ना वैसे कर लेना। अब हम लोग क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे डायरेक्ट। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एलसीएम ऑफ 5, 10, 15 एंड 20, ठीक है। तो निकाल के भी देख लेते हैं कितना आने वाला है, 5, 10, 15 एंड 20। सबसे पहले तो हमारे ये 2 से हो रहा है, तो आप 2 से भी कर सकते हो, लेकिन मैं बड़े नंबर से कर देता हूँ सब कोई, क्योंकि यहाँ पर 5 से भी हो रहे हैं ना, तो आप 5 से भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा। अब 2 से कर देता हूँ मैं, यहाँ पर 2 1 जा 2 हो गया, ये 3 उतर जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया। फिर 2 से हो रहा है, 2 1 जा 2, ये 1 उतर गया, ये 1 उतर गया, 3 उतर गया। बाकी आप चाहो तो जो स्टैंडर्ड तरीका है 2 से स्टार्ट करने वाला वही यूज़ करना, ठीक है। ये बस मेरे को थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं ये सब काम करता हूँ। ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये 1 और यहाँ पर भी ये 1 हो गया। सभी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा भैया, 5 2 जा 10 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा। फिर 10 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 6 जा 60 हो जाएगा। तो टोटल जो हमारा मल्टीप्लाई करने वाला आया वो 60 आया, यानी कि जो एलसीएम है वो 60 है। तो डिनोमिनेटर में आपको 60 करना है, तो ये मेरा -3 बाई 5 है यहाँ पर, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया कि -10 को आपको ऊपर में पहुँचा देना है। अब 5 को मैं कितने में मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 60 आ जाए, तो हम जानते हैं कि 12 5 जा 60 होता है। बाकी मैंने आपको दूसरा वाला तरीका भी बता दिया है कि आप 60 को 5 से डिवाइड दोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कितने से मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ, तो ये मेरा ऊपर में -36 आ जाएगा, नीचे में मेरे पास 60 आ जाएगा। दूसरा कितना है हमारे पास, तो -7 बाई 10 है, तो 10 में 6 का मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, तो ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा, तो ऊपर मेरा -42 आ जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है, और नीचे में हमारे पास 60 आ जाएगा। उसके बाद -11 बाई 15 है, तो 15 4 जा 60 होता है। सभी को पता है ना ये सब चीज़, नहीं पता होगा तो जल्दी से अपने टेबल याद कर लो 20 तक। ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर मेरा -44 हो जाएगा और नीचे में मेरे पास 60 हो जाएगा। लास्ट वाला हमारे पास -13 बाई में 20 है, तो 20 के टेबल में कितना पड़ पड़ेगी 60 आ जाए, तो 3 टाइम पढ़ेंगे, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है, तो 23 जा भी 60 हो जाएगा। तो ऊपर भी हमारे पास क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, 13 3 जा हो जाएगा 39 माइनस में, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है, और नीचे में आ गया 60। बस अभी को कंपेयर करके लिख दो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटे से बड़ा करना है, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, जो माइनस का सबसे बड़ा होगा, यानी ये जो 44 है एक्चुअल में ही सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा इसी को लिखो -44 बाई 60। इससे बड़ा कौन सा होगा, ये वाला होगा -42 बाई में 60। फिर इससे बड़ा कौन सा होगा भैया, ये 39 वाला होगा, तो -39 बाई में 60। और सबसे जो हमारा बड़ा है वो ये वाले भैया हैं, यानी कि -36 बाई में 60। अब सभी का जो मेन वैल्यू वो भी लिख लो, इसका वैल्यू कितना था, तो -11 बाई 15 था,
तो माइनस इलेवन बाई फिफ्टीन इज द स्मॉलर। उसके बाद फिर कौन सा भैया 42 वाला, ये है माइनस सेवन बाई टेन वाला, तो माइनस सेवन बाई टेन। फिर उसके बाद 39 वाला है ये वाला वैल्यू, माइनस थर्टीन बाई ट्वेंटी वाला, तो माइनस थर्टीन बाई ट्वेंटी। और लास्ट में 36 वाला है माइनस थ्री बाई फाइव, तो ये हो गया माइनस थ्री बाई फाइव। इस तरीके से आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके सामने दो विंडो पेन होगा होंगे, उनमें से अगर आप राइट वाले में क्लिक करते हो तो इस चैप्टर के सारे वीडियोज मिल जाएंगे, लेफ्ट वाले में क्लिक करोगे तो सीधे आप नेक्स्ट वीडियो में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर भी समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।